रीवा एमपी के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र 70 से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह द्वारा आज शिव साई मैरिज गार्डन में विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर चुनावी कार्यालय खोला गया। उस दौरान हजारों की संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान त्योंथर कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एक होकर निष्पक्ष रूप से सेक्टर वाइज सेक्टर लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। तो धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय कमलनाथ जी को। उन्होंने त्योंथर क्षेत्र में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया है और यहाँ का जो इतिहास रहा है रीवा जिले का, रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी इसके पहले नहीं बनी। 5 साल के पहले सरकारें किन परिस्थितियों में बनी जनता यह समझ चुकी है और हम लोगों ने सतत संघर्ष किया है, जनता के बीच बने रहे हैं और जनता के दिमाग में ये बात आ गई है कि जो ये 15 लाख खाते में आना है, लोगों को रोजगार मिलना है और जो नमक का दाम है, खाने वाला नमक है, आज वो लगभग 30 रुपये किलो है। पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो जनता के समझ में आ गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।